ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज आपको दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत सा पौधा, जिसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है टर्टल वाइन, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अगर आप इसे पॉट में लगाना चाहते हैं तो पॉट में भी लगा कर आप इसे थोड़ी ऊँची जगह पर रखिए, जहाँ से इसकी वाइन्स जो हैं वो हैंग कर सकें। जब ये प्लांट हैंग करता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है। आज हम लोग बात करेंगे इसी प्लांट की प्रोपगेशन और केयर के बारे में, पर वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लास्ट में इसको लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में। इस प्लांट को ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सिर्फ धूप आती हो और बाकी टाइम इसे ब्राइट लाइट मिलती हो। इसे आप डार्क प्लेस पर मत रखिएगा कि आप अंदर कहीं हैंग कर दें तो ये वहाँ पर अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। और अगर आप इसे अंदर लगाना चाहते हैं तो किसी विंडो पर ही लगाइएगा, जहाँ पर इसे एटलीस्ट ब्राइट लाइट तो मिल ही पाए। अगर आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे तब भी ये अच्छे से ग्रो करेगा, पर इसे डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में क्या होता है कि इसकी लीव जो होती हैं वो बर्न होने लगती हैं। इस प्लांट को ज़्यादा धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की पॉटिंग मिक्स के बारे में। आप जब भी इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं तो उसे पोरस ही रखें, जिसके लिए आप इसकी मिट्टी में जब भी आप इसका पॉटिंग मिक्स बनाएं उसमें सैंड का ज़रूर यूज़ करें, जिससे इसे इसमें पानी जमा नहीं होगा और ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते रहेगा। अब बात करते हैं इस प्लांट के पानी की रिक्वायरमेंट की। इस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। देखिए, इसे मैं गर्मियों में 2 से 3 दिन में अभी पानी देती हूँ और सर्दियों में शायद हफ्ते में पानी दूंगी, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो मोटी सकलेंट वैरायटी की होती हैं और उनमें पानी जमा रहता है। आप अगर इस लीव्स को तोड़कर थोड़ा मसलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये लीव्स थोड़ी फ्लैशी टाइप की हैं और इसमें पानी अच्छे से जमा हुआ रहता है। आप इस प्लांट को नीचे से पिंच बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि पिंच करने से ये प्लांट नीचे लंबाई में ग्रो नहीं करेगा, और वैसे ही हर एक नोड एरिया के पास से नई नई ब्रांचेस निकालता है, तो इसे पिंचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, इस प्लांट के हर एक नोड एरिया के पास से एरियल रूट निकलते रहती है। ये देखिए, इस समय इसे बारिश का पानी कभी कभी मिल जाता है, तो इसकी एरियल रूट्स देखिए कितनी लंबी हो गई हैं। अगर आप इसे प्रोपगेट करना चाहते हैं तो आप इसे इस नोड एरिया के पास से कट कर लीजिए, और कट करने के बाद आप इसकी नीचे की 3-4 लीव्स निकाल दीजिए और कहीं भी आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए। ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। आप इस लीव्स का डिज़ाइन देखिए, हर एक बड़ी पत्ती के बाद एक छोटी पत्ती होती है। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये पौधा है। अब बात करते हैं इसकी खाद के बारे में। आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए 25 से 1 महीने में, और अगर आप इसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देना चाहते हैं तो आप बहुत थोड़ी सी खाद इसको 2 महीने में एक बार दे दीजिए। ये देखिए, मैंने इसे प्रोपोगेट करके लगाया है मिक्सी के एक जार में। इसे मुझे लगाए 20 ही दिन हुए हैं और देखिए इसने कितने अच्छे से ग्रो किया है। ये देखिए, मैं इसकी आपको लेंथ दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतना ज़्यादा इसने लंबा हैंग कर लिया है। देखिएगा, कुछ दिन में ये प्लांट इतना हैंग कर लेगा सब तरफ से कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मिक्सी के जार में लगा है, सिर्फ ब्रांचेस इसकी दिखाई देंगी। ये प्लांट छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है और बहुत ज़्यादा इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। आप इसको शैलो पॉट में या तो छोटे छोटे से टब होते हैं आप उसमें भी लगा कर इसे हैंग कर सकते हैं। ये उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा जितने अच्छे तरीके से आप इस बास्केट में देख रहे हैं इसको ग्रो करते हुए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।